दोस्तों ये सर्फ रेस्क्यू करने आए हैं हम। ये देख सकते हैं ये बुल फिश स्नैक है, रात के अंधेरे में निकला था, आप इसकी पहचान देख सकते हैं। इसे बुल फिश स्नैक कहते हैं। ये बिल्कुल करैत से मिलता जुलता सर्प है जो कि बहुत जहरीला होता है, लेकिन वो जो करैत जो जहरीला सर्प होता है वो बिल्कुल काला होता है, और उसकी ये धारी जो इसमें काली कलर है वो सफ़ेद होती है, और ये जो रंग है ये काला कलर का होता है। तो ये जहरीला सांप बिल्कुल नहीं है, ये बुल फिश स्नैक है। तो हम इसे अभी रेस्क्यू किए हैं। ये रात के समय में ही करैत भी निकलता है जो कि बहुत ही जहरीला सर्प होता है, जिसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो आप देख सकते हैं इसकी आप पहचान भी देख सकते हैं। जो करैत सर्प होगा उसके यहाँ पूरा एक काला होगा, और काला होने के साथ ही ये जो लकीर बनी है वो सफ़ेद होगा बुल फिश स्नैक में। लेकिन जो एक करैत स्नैक में पूरा काला होगा, सफ़ेद लकीना होगी, लेकिन ये बुल फिश स्नैक में ये काला लकीना ये हल्का थोड़ा मतलब चॉकलेटी कलर का होता है, देख सकते हैं। और ये बिल्कुल भी जहरीला सर्प नहीं है, इसके काटने से कुछ होता नहीं है, लोग भी अंधविश्वास से मार देते हैं। तो आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पर दिया, आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे पैक किए लेते हैं। तो दोस्तों हम इसे अभी पैक करने वाले हैं और इसे जंगल में छोड़ने वाले हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। बॉटल का ढक्कन टूट है, इतना टूट है ढक्कन होगा अंदर। तो इस तरह हम इसे बैटल में पैक कर लिए हैं और इसे जल्द से जल्द जंगल में छोड़ने वाले हैं। तो हमारे गग्गू सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सांपों का जीवन बच सके। धन्यवाद।